चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना भारत, हेल्थ केयर के लिए अधिक जनसंख्या हो सकती है बुरी खबर, WPR की रिपोर्ट में दावा। राम सेतु नहीं टूटेगा, घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय स्मारक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। बजट 2023 में 35 हाइड्रोजन ट्रेनें, 500 वंदे भारत समेत कई और बड़े ऐलान होने की संभावना। पप्पू नहीं स्मार्ट आदमी है राहुल गांधी, पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं विकास के लिए है, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। मेड इन इंडिया हथियारों की भारी मांग, कई देश ने कहा सिर्फ इंडियन बोलिस्टिक मिसाइल पर भरोसा। फोन पे को मिली $350 मिलियन की फंडिंग, बनी भारत की सबसे बड़ी फिनटेक फर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया ढोल, बोले सुशासन और सद्भाव के रास्ते पर कर्नाटक सरकार। सैन्य और कूटनीति में मिला करारा जवाब, तो जलयुद्ध की तैयारी कर रहा चीन, भारत ने भी कसी कमर। भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। बंगाल में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोले जंगल राज होगा समाप्त, खिलेगा कमल। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा 10 फरवरी तक गन्ना बकाया का भुगतान ना हुआ तो 11 फरवरी को दुनिया छोड़ दूंगा। रेसलर और WFI विवाद में पहलवानों का धरना जारी, खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से 72 घंटे में मांगा जवाब, वरना होगा एक्शन। पीएम मोदी रोजगार मेले के अंतर्गत आज 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का है लक्ष्य। हाईकोर्ट ने कहा नशा तस्करी देश की जड़ों को कर रही खोखला, आरोपियों से सख्ती से निपटना जरूरी। साल 2023 में बड़े स्तर पर जाएगी कर्मचारियों की नौकरी, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियां करेंगी छटनी। खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, क्या BJP से बेटियों को बचाना है। बड़ी खुशखबरी, कांग्रेस के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी किया ऐलान, गृहिणियों को हर महीने देंगे ₹2,000। यूपी की 14 हारी हुई लोकसभा सीटों को 2024 में जीतने के लिए भाजपा ने तैयार किया मास्टर प्लान। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में भाजपा की होगी अग्नि परीक्षा, काफी पहले से ही रणनीति बना रही पार्टी। अगले हफ्ते 5 दिन नहीं खुलेंगे बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने दी बड़ी जानकारी। दिल्ली से जयपुर के लिए जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, मात्र 2 घंटे का होगा सफर। जयपुर में साहित्य के महाकुंभ का हुआ आगाज, 5 दिवसीय कार्यक्रम में 350 स्पीकर पहुंचेंगे, सुनाई देंगी भारत की 21 भाषाएं। उत्तराखंड में जोशीमठ के राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, भूदशाओं पर अधिकारियों को दिए रिपोर्ट, जल्द से जल्द भेजने के निर्देश। पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों को दिया 10,800 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों ने खोला मोर्चा, बजरंग पूनिया बोले मेडल की तरह अपने अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे। अब लोगों को नहीं लगाने होंगे EPFO दफ्तर के चक्कर, कई सुविधाएं हुई ऑनलाइन, एक ही ऐप पर मिलेगा सब कुछ। जोशीमठ के बाद UP में मंडराया संकट, अब औरैया के 15 घरों में दिखी दरारें, जांच शुरू। पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, FD पर बढ़ाई ब्याज दरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी बोली खिलाड़ी देश किसान, आरोपों की जांच हो। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने महाठक सुकेश चंद्रशेखर पर लगाए कई आरोप, कहा मेरी भावनाओं के साथ खेला, करियर किया बर्बाद। त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन को वोट फ्रॉम होम की सुविधा, दिव्यांग भी घर से कर सकेंगे मतदान, 16 फरवरी को होगी वोटिंग। 2023 में बना बड़ा रिकॉर्ड, बीते 15 दिन में 26 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। एयर इंडिया ने फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर लगाया बैन, 4 महीने तक नहीं भर पाएगा उड़ान। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, पैसों के लिए दूसरे देशों को देता था गोपनीय जानकारी। पायलट के जादूगरी वाले तंज पर CM गहलोत का पलटवार, बोले आरोपियों के खिलाफ एंटी चीटिंग बिल लाए तब चलेगा ये बुलडोजर।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोकी गई दो ट्रेनें, भाजपा सांसद बोले यह समाधान नहीं व्यवधान यात्रा। दिल्ली के पश्चिम विहार में दीवार पर लिखे खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे पुलिस ने मिटाया। उत्तराखंड में 24 से 27 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जोशीमठ में बढ़ सकती है मुश्किलें। गैर मुस्लिम छात्रों की पहचान के लिए अब नहीं होगा सर्वे, यूपी में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला। मैं किसी से नहीं डरता आरोपों पर बोले बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। अमेजन में जारी है छटनी की लहर, 2300 कर्मचारियों को मिला वार्निंग नोटिस। हिमाचल में छतों पर खड़ी महिलाओं ने राहुल गांधी को आवाज लगाकर पूछा 1500 रुपए कब दोगे, राहुल गांधी बोले जल्द मिलेंगे। झारखंड में 4 बच्चों की मौत के बाद खुली नींद, वन अधिकारियों ने आदमखोर तेंदुओं को मारने की दी इजाजत। आशीष देशमुख ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोल को हटाने की मांग की। बिहार में जनता के पैसों से सीएम नीतीश मना रहे पिकनिक, समाधान यात्रा पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कसा तंज। नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो की बड़ी सौगात, 26 जनवरी से 4 फरवरी तक मुफ्त में बनेंगे स्मार्ट कार्ड। भारत में लॉन्च हुआ किफायती हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 20 पैसे में चलेगा 1 किलोमीटर।